आज मैं शेयर करने वाली हूँ वेस्ट डीवीडी और सीडी से बने हुए कुछ अमेजिंग से डीआईवाईज जो कि होने वाले हैं बहुत ही इजी एंड बहुत ही स्पेशल. सो हेलो एंड वेलकम, दिस इज दीपशिखा फ्रॉम डू समथिंग क्रिएटिव. चलो कुछ क्रिएटिव बनाते हैं. मैं इस चैनल पर डीआईवाईज करती हूँ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे फ्यूचर की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये सारे नज़ारे आपके लिए. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें एक सीडी ले लेनी है. सीडी आप डीवीडी भी ले सकते हैं बट मैंने सीडी लिया क्योंकि उसका वैसे भी कुछ इस्तेमाल होना नहीं है. सो मैंने सीडी ले लिया. उस पर हम लोग बनाने वाले हैं ऑरेंज. सो ऑरेंज के कलर्स ले लिए मैंने, एक्रेलिक कलर्स हैं, और उस पर कुछ ऐसे पैटर्न ड्रॉ कर लिए हैं. ओके, ये थोड़ा सा आपके लिए. सो इस पर हम लोग ऑरेंज कलर लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद इस पर येलो कलर करेंगे. और ब्रश से ये अच्छे से हो नहीं रहा था, इसमें ब्रश मार्क दिख रहा था. सो मैंने इसको ब्लेंडिंग से ब्लेंड कर लिया है, स्पंज से ब्लेंड कर लिया है, और इस पर ब्लेंडिंग से ब्लेंड कर लिया है. और इसको बहुत ही थोड़े थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए ताकि हम नेक्स्ट कोट कर सकें. और वैसे ऑरेंज और येलो के बीच में मैंने थोड़ा सा गैप रखा था, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं. फिर इस पर वाइट कलर करेंगे जो कि हमारा सेंटर ऑफ वाइट होगा, आई मीन सेंटर ऑफ ऑरेंज होगा. उसके बाद ऐसे जो भी मैंने पैटर्न ड्रॉ किए थे वो मैं और वाइट कलर से फिर से ड्रॉ कर लूँगी, तो ये कुछ ऑरेंज टाइप्स बन जाएगा. आप देख सकते हो बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही आराम से हो रहा था. हाँ बट इस पे वाइट कलर मुझे फिल करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो मैं हर कलर का दो कोट करूँगी ताकि जो पहला कोट है वो आराम से सूख जाए, उसके बाद फिर मैं दूसरा कोट करूँगी. तो मैंने दूसरा कोट आपको दिखाया नहीं है बट मैंने इस पर कर दिया था ताकि ये बिल्कुल ब्रश मार्क ना आए इस पर और ये बहुत स्मूथ लगे, आप देख सकते हो. उसके बाद फिर मैं ऑरेंज कलर करूँगी. इस पर भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था, ब्रश मार्क दिख रहा था और आप देख सकते हो ये दिखता है तो बहुत गंदा लग रहा था. तो फिर मैंने इस जब ये थोड़ा थोड़ा सूख गया था तो फिर मैंने इस पर हल्का सा सेकेंड लेयर भी चढ़ाया था, तो ये स्मूथ हो गया था इसका सरफेस, हमें रफ एजेस नहीं चाहिए. सो उसके बाद मैं सारे को फिल कर लूँगी अच्छे से. वैसे आप सबको किसको ऑरेंज ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और ऑरेंज कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर. वैसे मैं डेलाइट में शूट कर रही हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट सा कलर दिख रहा है मुझे और बहुत खूबसूरत लग रहा था. और उसके बाद मैं डिटेलिंग दूँगी. ये मेरे पास डिटेलिंग ब्रश नहीं थी, तो अगर आपके पास भी अगर ऐसे ब्रश नहीं हो तो आप अपने आईलाइनर वाले ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो. मैंने भी वही किया, मेरा आईलाइनर जाने दो यार, मैं कौन सा तैयार होती हूँ. सो मेरे किसी काम तो आए वो. सो मैंने इस पर थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर ली है. और अगर आप मेरे चैनल को बस ऐसे ही देखे जा रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो देखिए उसके बाद फिर मैंने इस पर कुछ और डिटेलिंग कर दी है. ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये मैंने बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाने के लिए किया था. वैसे ये रेडी है ऑलमोस्ट, बट फिर मैं इस पर कुछ और डॉट आर्ट्स दे दूँगी और इसके बाद इस पर एक कोट वार्निश कर लेंगे. उसके बाद इसको सूखने देंगे. उसके बाद आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट, और बताइए कैसा लगा आपको. मुझे ये काफ़ी पसंद आया. सो मैं इसको अपनी मम्मी के रूम में लगा रही हूँ जो कि मेरे घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रूम है. सो उस रूम में मैं लगाने वाली हूँ. और आप इसको दो तरह से हैंग कर सकते हो, एक तो वॉल पे हैंग कर सकते हो और एक जो स्टैंड बनाया था हमने उस पे हैंग कर सकते हो. और एक और सीडी का बनाया था मैंने, इसका क्लिप मुझसे डिलीट हो गया बट आपको मैं इस पर इसका लिंक दे दूँगी. शायद मैंने शॉर्ट्स में इसको शेयर किया था. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर चेक कर ले कि ये मैंने कैसे बनाया था. सो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं. तो इस बार लेंगे हम DVD,
और उसको किसी भी सीजर से आप अलग करोगे तो दो पार्ट रिसीव होंगे, एक कलरफुल होगा और एक बिल्कुल प्लेन। सो कुछ ऐसे सीजर से इसको अलग करना है, उसके बाद हमें सैनिटाइजर लेना है और जो प्लेन पार्ट था उसमें हमें जो थोड़े बहुत कलर्स होते हैं उनको ऐसे कुछ साफ कर लेना है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और मुझसे एक पार्ट डिलीट हो गया गाइज, ये जो मैंने कट करके बर्ड के डिज़ाइन से बनाया था, और उसके बाद मैंने स्पंज से कुछ ड्रॉ कर लिया था और वही बस सिंपल से पैटर्न है और बहुत इजी। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट करके रख देती हूँ, आप देख सकते हो, और ये बहुत इजी से बन गया था। फिर मैंने इसको वार्निश पे अप्लाई कर दिया और इसमें बस एक होल बनाया और ये रेडी हो गया। आप इसको पर्स में टंगाओ या फिर किसी को गिफ्ट करो, एज योर चॉइस। और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।